हे दोस्तों, मैं हूँ सुरभि और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बताने वाले हैं आपको इंडिया की कुछ टॉप आरजेस के बारे में। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम है मलिष्का का। मलिष्का आरजे मलिष्का के नाम से जानी जाती है। ये मुंबई से है और भारत का एक बहुत ही जाना माना रेडियो पर्सनैलिटी नाम है। आपको बता दें कि वो 93.5 रेड एफएम में काम करती हैं और शो करती हैं। और पिछले दिनों इन्होंने इंडियन एक्सीलेंस इन रेडियो अवार्ड्स में बेस्ट ब्रेकफास्ट प्रोग्राम यानी मॉर्निंग नंबर वन विद मलिष्का का शो जीता था। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। आपको बता दें कि अभिनेत्री विद्या बालन को आरजे मलिष्का ने ही प्रशिक्षित किया था, जब वे 2017 में बॉलीवुड फिल्म तुम्हारी सुलू में एक आरजे की भूमिका निभाने वाली थी। बढ़ते हैं दूसरे नाम की तरफ। दूसरा नाम है आरजे बालाजी पुट्टुराज का, जो 20 जून को जन्मे और इन्हें बालाजी के नाम से जाना जाता है। आरजे बालाजी एक भारतीय रेडियो जॉकी हैं, प्रस्तुतकर्ता हैं, प्रेजेंटर हैं, कॉमेडियन हैं, डायरेक्टर हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं और ये एक्टर भी हैं। चेन्नई तमिलनाडु में हैं और ये बिग एफएम 92.7 में एक होस्ट की तरह काम करते हैं। आपको बता दें कि ये नाइट शो ज़्यादा करते हैं, टिकट इजी और डिफ्यूज सेगमेंट क्रॉस टॉक, जहां पर ये प्रैंक कॉल भी करते हैं। मुख्य रूप से रेडियो जॉकी हैं और कई क्षेत्रों में कार्यरत हैं और ये टेलीविजन शोज भी कर चुके हैं, इसी वजह से उन्हें उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। ये क्रिकेट कमेंट्रेटर हैं और चेन्नई में कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रेजेंटेशन भी करते हैं, मतलब शो होस्ट करते हैं। कई सामाजिक कार्यों में योगदान भी देते हैं, इसी वजह से इन्हें लोग बहुत जानते हैं और इन्होंने दक्षिण भारतीय बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करने में बहुत मदद की थी। तो ये एक नाम था। अब बढ़ते हैं एक और नाम की तरफ, जिसका नाम है आरजे दिशा ओबेरॉय। ये भी एक जाना माना नाम है। कौन है चलिए जानते हैं। दिशा ओबेरॉय एक आरजे हैं जो कि आरजे दिशा के नाम से बैंगलोर में काम करती हैं और ये रेड एफएम 93.5 में काम करती हैं। और आपको बता दें कि दिशा जो हैं वो एक बेहतरीन आरजे हैं और इन्हें लोग पसंद करते हैं। बढ़ते एक और नाम की तरफ, किसका नाम आ रहा है सामने, ये हैं धवनित ठाकर, जिन्हें आरजे धवनित के नाम से जाना जाता है। कि अहमदाबाद के हैं और गुजराती रेडियो पर्सनालिटी, अभिनेता, गायक हैं। आरजे धवनित के नाम से लोग काफ़ी प्रभावित रहते हैं। ये एक सिंगर भी हैं। चलिए जानते हैं अगला नाम किसका है। और अगला नाम हम जिसका लेने जा रहे हैं उसे सभी जानते हैं। जी हाँ, अमीन सयानी, भारत के एक लोकप्रिय पॉपुलर रेडियो अनाउंसर। जी हाँ, उन्होंने नाम पाया, पॉपुलरिटी पाई और साउथ सिलोन के रेडियो पर उन्होंने अपने हिट्स प्रोग्राम बनाकर गीतमाला प्रस्तुत किया। और आज उनकी नकल करने वालों में से काफी सारे लोग हैं जो उन्हीं की तरह करते हैं। हाँ जी बहनों और भाइयों, तो बहनों और भाइयों, भाइयों और भाइयों का जो अर्थ है, उनकी शैली को आज अधिकतर अनाउंसर्स कॉपी करते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने 1951 के बाद से जो प्रोग्राम है उन्हें प्रस्तुत किया है। उन्होंने ऐसे प्रोग्राम दिए हैं जो काफ़ी बेहतरीन रहे। उन्होंने 54,000 रेडियो प्रोग्राम्स किए हैं और 19,000 स्पॉट्स और जिंगल किए हैं। 1951 के बाद से उन्होंने अपना करियर शुरू किया। तो बढ़ते हैं एक और नाम की तरफ। जी हाँ, जिनका नाम है शिवा। शिवा जो है वो 10 दिसंबर 1982 को जन्मे एक फिल्मी एक्टर हैं। तमिल उनकी लैंग्वेज है लेकिन वे आरजेइंग भी करते हैं। तो ये एक्टर भी हैं, रेडियो जॉकी भी हैं और डायलॉग डिलीवरी भी करते हैं। तो शिवा जो हैं वो सपोर्टिंग रोल में 2001 में नज़र आ चुके हैं फिल्म में और आजकल आरजेइंग कर रहे हैं। सुचित्रा कार्तिक कुमार का नाम भी इसी श्रृंखला में शामिल होता है। सुचित्रा भी एक रेडियो जॉकी हैं और तमिल भाषा बोलती हैं। और आपको बता दें कि ये तमिल प्लेबैक सिंगर भी हैं। इन्होंने अभी तक 100 गाने गाए हैं और वो भी 3 भाषाओं में। तो इनका नाम भी विकिपीडिया पर आपको मिल जाएगा। सिद्धार्थ खानन, ये भी एक रेडियो जॉकी के तौर पर काम करते हैं। और आपको बता दें कि सिद्धार्थ कनन इज एन इंडियन टेलीविजन रेडियो होस्ट, अनाउंसर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड फिल्म क्रिटिक। तो एक नाम ये भी शामिल है। आयुष्मान खुराना, जी हाँ, इनका नाम ना लिया जाए तो कैसे हो सकता है। आयुष्मान खुराना, जिनका असल नाम निशांत खुराना है, ये 14 सितंबर 1984 को
दुनिया में आए। इंडियन एक्टर हैं, सिंगर हैं, टेलीविजन होस्ट हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन्होंने एज अ रेडियो जॉकी काम किया है। आपको बता दें कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत रेडियो जॉकी के तौर पर की थी और दिल्ली के एफएम स्टेशन पर इन्होंने कई साल काम किया है। और ये एक सिंगर भी हैं, एक राइटर भी हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीत चुके हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स जीत चुके हैं, इन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं। तो एमटीवी रोडीज से इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद इन्होंने बेस्ट मेल डेब्यू किया था, फिल्म का नाम था विकी डोनर, जो स्पर्म डोनर पर आधारित थी। इसके बाद तो भाई दम लगा के हईशा, बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो, ड्रीम गर्ल, बाला और अंधाधुन जैसी फिल्मों से इन्होंने ताबड़तोड़ अपने करियर की शुरुआत की और एक बेहतरीन करियर क्रिएट कर लिया। आयुष्मान के बाद अपार शक्ति खुराना, जो कि आयुष्मान के ही भाई हैं, और चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ और ये इस समय 32 साल के हैं। आपको बता दें कि आयुष्मान खुराना के भाई हैं अपार शक्ति खुराना। ये रेडियो जॉकी के तौर पर, टीवी होस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं और फिलहाल एक्टिंग करते हैं, एक्टर हैं। आपको स्त्री में नजर आए थे, हैप्पी फिर भाग जाएगी में नजर आए, लुका छुपी में, बद्रीनाथ की दुल्हनिया में और कई फिल्मों में ये आपको नजर आए हैं। तो एक बेहतरीन एक्टर हैं और साथ ही साथ एक रेडियो जॉकी भी हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो कई सारे नाम आते हैं, आरजे ओफलिया, आरजे रेनू, और एक और नाम मैं लेना चाहूँगी अन्नू कपूर साहब का, क्योंकि अन्नू कपूर साहब वैसे तो बहुत पुराने एक्टर हैं, इस समय 63 साल के हो चुके हैं। इनका जन्म 20 फरवरी भोपाल में हुआ था और आपको बता दें कि फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए और कई सारे अवार्ड जीत चुके हैं। इनके भाई बहनों की बात करें तो रंजीत कपूर भाई हैं, सीमा कपूर बहन, निखिल कपूर इनके भाई हैं। और आपको बताएं कि इन्होंने रेडियो जॉकी के तौर भी काम किया है। जी हाँ, अन्नू कपूर का रियल नाम अनिल कपूर था और जब ये फिल्मों में नहीं आए थे उससे पहले ये अंताक्षरी को होस्ट करते थे। फिर इन्होंने मिस्टर इंडिया फिल्म में भी काम किया, विकी डोनर में, जॉली एलएलबी में और उत्सव मूवी में भी काम किया है। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है एज अ रेडियो जॉकी। इन्होंने जो प्रोग्राम पेश किया वो काफ़ी अच्छा रहा। तो आपको बताएं कि एक बेहतरीन अदाकार हैं और काफ़ी अच्छी फिल्मों में काम कर चुके हैं, एक बहुत पर्सनैलिटी वाला नाम है। तो फिर इन्होंने सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर 92 बिग एफएम में किया है और इससे ये एक रेडियो जॉकी में शामिल हो गए हैं। अब लास्ट में हम एक और नाम लेते हुए चलते हैं, अगर आप चाहें तो मेरा नाम भी उसमें शामिल कर सकते हैं। तो सुरभि सक्सेना, जी हाँ, आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आरजे हैं, राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं और पोएट्स भी हैं, साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी में एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी रही हैं। तो ये एक पर्सनालिटी का हिस्सा था, एक एक्टिंग में भी अपना लोहा मनवा चुकी हैं लेकिन अभी फिलहाल अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं और आगे आने वाले कुछ समय में आपको सुरभि का भी प्रदर्शन कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। तो रेडियो जॉकी बेहतरीन है, उनके फैंस बहुत पसंद करते हैं, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आप इन्हें सुन सकते हैं, यानी कि मुझे। तो मैंने अपनी तारीफ अपने आप से ही कर ली है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक बार इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे साथ कमेंट में बताइएगा कि आप इसके अलावा और क्या जानना चाहते हैं। तो रेडियो जॉकी से जुड़ी तमाम जानकारी, तमाम जो भी चीज़ें हैं वो हम आपके लिए लेके आते हैं और आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट में बताइए। कुछ नया जानना देखना चाहते हैं तो वो भी बताइए। तो एक से बढ़कर एक चीज़ें समेट समाट कर हम लेकर आते हैं। मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि मुझे हमें आप मैंने कलाकारों के बारे में बताइए, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना ऐसे कुछ आरजेज हैं जिनके बारे में मैं आज आपको यहाँ पर बताऊं और आप उसको देखें, आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों अगर वाकई में अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे इंडिया के आरजेज के बारे में जो जानकारी है। लोग जानना चाहते हैं कि इंडिया में कौन कौन से रेडियो जॉकी हैं जो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आगे और वीडियो में नई जानकारी भी आपको देती हुई चलूंगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो को एक बार शेयर करिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक तो करते ही हैं, और कुछ नया है आपके दिलो दिमाग में तो वो भी हमारे साथ ज़रूर बांटिएगा। फिलहाल टेक केयर, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।